देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। रात के अंधेरे में जलती ये मशालें आज सुबह भारत बंद के दौरान होने वाले प्रदर्शन का ट्रेलर है। मशाल उठाकर सड़कों पर निकले मजदूर संगठनों के सदस्य जनता से भारत बंद में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। भारत बंद को सफल बनाने के लिए मजदूर संगठनों के साथ आज छात्र और बैंक कर्मचारी भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बंद किसने बुलाया और क्या मांग है, उससे पहले आपको बताते हैं कि इस बंद का आप पर क्या असर पड़ेगा। बंद के चलते बैंकिंग सेवा प्रभावित होगी, आपको बैंक से जुड़े कामकाज में दिक्कत आ सकती है, एटीएम में कैश की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। विरोध प्रदर्शन की वजह से कई रास्ते बंद हो सकते हैं, आने जाने में मुश्किल हो सकती है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, हिंद मजदूर सभा समेत कुल 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया है। कई नेशनल फेडरेशन के सदस्य भी बंद में शामिल हैं। 6 बैंक यूनियंस ने भी भारत बंद में शामिल होने का ऐलान किया। साथ ही अलग अलग राज्यों के कई स्टूडेंट यूनियंस के छात्र भी बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। ट्रेड यूनियन ने 12 सूत्रीय मांग को लेकर बंद बुलाया है। एक जैसे काम के लिए समान वेतन, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना, प्रस्तावित लेबर लॉ में संशोधन जैसी मांगे प्रमुख हैं। मजदूर विरोधी और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ ये भारत बंद है। बेरोजगारी, किसानों की समस्या, निजीकरण जैसे मुद्दे इस बंद के केंद्र में हैं। लेफ्ट समर्थित मजदूर संगठनों की माने तो इस बंद के बहाने वो नागरिकता संशोधन कानून जेएनयू में हमले का विरोध भी करेंगे। दावा है कि देश के 15 से ज्यादा राज्यों के 25 करोड़ लोग बंद में शामिल होंगे। अपने 12 सूत्री मांग के आधार पर और ये मोदी सरकार के जन विरोधी, मजदूर विरोधी और देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो नीतियां वो अपना रहा है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो इन द सोसाइटी, ये सब के खिलाफ ये हड़ताल का ऐलान किया है। अहम बात यह है कि छात्र संगठनों ने बंद के समर्थन की बात कही है। छात्र फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अपने गुस्से को भारत बंद के समर्थन में झोंकने वाले हैं। हर कोई हर एक यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, कैंपसेस में इंप्लीमेंट करे। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट होने के नाते हम सबको अपील करते हैं कि सबको इन सॉलिडरिटी ज्वाइन कीजिए अपने कैंपस स्पेसेस में, और इस सरकार के सामने ये प्रश्न उठाइए कि हमारी जो शिक्षा की मांग है क्या वो गलत है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की मांग है वो क्या गलत है, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, सस्ती शिक्षा चाहिए और नौकरी चाहिए। बैंक यूनियन के सदस्य भी भारत बंद में शामिल होंगे, जिसका सीधा असर बैंकिंग सेवा पर पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को हड़ताल से दूर रहने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भारत बंद से खुद को अलग रखा है। इसी साल की शुरुआत में मांगों को लेकर सरकार और मजदूर संगठनों के बीच बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद भारत बंद का ऐलान किया गया। भारत बंद का आयोजन ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले करीब महीने भर से देश कई तरह के आंदोलन, धरना प्रदर्शन से दो चार है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन खत्म भी नहीं हुआ था कि जेएनयू में हुए बवाल से कैंपस कैंपस में आंदोलन की लहर दौड़ गई, और अब आज का भारत बंद यकीनन सरकार के लिए ये मुश्किल भरे दिन हैं।